तेजस्वी यादव की अपने ही इलाके में हो गई तगड़ी बेइज्जती। भीड़ ने तेजस्वी के सामने लगाए मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। लोकसभा चुनाव से पहले भीड़ के नारों ने तेजस्वी का 2024 का सपना तोड़ दिया। बिहार में एक सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन करने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने ही मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगने लगे। मामला वैशाली जिले से जुड़ा है। दरअसल जिले के बेदपुर के चेचर में ग्रामीण जिला पूर्ति योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। इस दौरान उनके सामने ही भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने बाबा बागेश्वर की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाए। उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने काफिले के सामने ही मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो में भीड़ के बीच से बाबा बागेश्वर की जय का नारा लगाने की भी आवाज आई थी। बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिदुपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना की शुरुआत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के आर्सेनिक प्रभावित घरों तक गंगा जल पहुंचाने की योजना की शुरुआत की। इसके तहत देशरी बिदुपुर और हाजीपुर प्रखंड क्षेत्र के 30,000 घरों से अधिक घरों में नल का जल पहुंचना शुरू हो गया। हालांकि भीड़ द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाने का कोई असर तेजस्वी यादव या वहां मौजूद प्रशासनिक पदाधिकारियों पर नहीं पड़ा और इसके तहत कार्यक्रम के अनुसार उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। मालूम हो कि वैशाली जिले में तेजस्वी यादव का ही विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो विधायक है। इधर कार्यक्रम के विरोध और हंगामे को लेकर आरजेडी के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से राघोपुर और पूरे बिहार का विकास कर रहे हैं, ये बीजेपी वालों को रास नहीं आ रहा। बीजेपी वालों का कलेजा फट रहा है, इसलिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। नारा लगाने वाले कौन लोग थे इसका पता नहीं, लेकिन आरजेडी के पूर्व मंत्री शिव रामचंद्र ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।